उस कांग्रेस पार्टी के सिंबल को हमें गले में डाल के ले जाने की इजाजत दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। राहुल गांधी जो इस देश का बेटा है उसने ये डर पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर कि वो कांग्रेस का सिंबल भी देख नहीं सकता, घबराता है कांग्रेस के सिंबल से। अरे संसद कमेटी बैठती उसमें राहुल जी दोषी पाए जाते तो उसके बाद में निलंबन होता, आपने तो उससे पहले ही कर दिया। अरे वाह भाई, ये लोकतंत्र है, हत्या करके खाक कर चुके हो लोकतंत्र को, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस की मानते नहीं है, नरेंद्र मोदी भाजपा की मानते नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मानते हैं अडानी की। अरे मत लड़ने दीजिए, शहर के बच्चों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत कहां है, गांधी के पोते को इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। ये आनंद फानंद में सदस्यता रद्द की गई है ताकि 20,000 करोड़ के घोटाले की कोई बात ना हो, और घोटालों की कोई बात ना हो। राहुल गांधी का चेहरा ही इस देश में चमकेगा, चाहे चुनाव कोई भी लड़े कोई भी जीते। क्या लग रहा है कांग्रेस वापस आएगी या जो राहुल गांधी के साथ जो पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके बारे में तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट करके निकले हैं उसके बाद में पुलिस वालों का तानाशाह रवैया किस तरह रहा है, कांग्रेस का सिंबल तक हमें गले में डाल के जाने की इजाजत नहीं है। ये कोई आतंकवाद का प्रतीक है? अरे ये तो देश के समर्पण का प्रतीक है, ये तो त्याग का प्रतीक है, ये तो बलिदान का प्रतीक है। उस कांग्रेस पार्टी के सिंबल को हमें गले में डाल के ले जाने की इजाजत दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है, यानी अमित शाह और मोदी नहीं दे रहे। इतने घबरा गए हैं कि कार्यकर्ता सिंबल लेके भी नहीं निकल सकता। वाह, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या रोक को एक सबक है। जो राहुल गांधी जो इस देश का बेटा है उसने ये डर पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग पर कि वो कांग्रेस का सिंबल भी देख नहीं सकता, घबराता है कांग्रेस के सिंबल से। अभी पुलिस वालों ने सारे झंडे कांग्रेस के सिंबल सब उतरवा दिए, ये इसका प्रतीक है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं। अमित शाह जीते लगातार आप लोग अमित शाह और मोदी को कोट करते हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों का कोई दोष थोड़ी ना है। अरे कानूनी प्रक्रिया है, नियम के तहत हुआ, 2 साल के बाद 2 साल की सजा के बाद अयोग्य होते, लेकिन संसद में उसको आने तो देते, संसद विधेयक तो पारित होने देते और उसके बाद में संसद कमेटी तो बैठती। आज तक निर्णय किसने किया है? ओम बिड़ला जी के हाथ में था, लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में था। अरे संसद कमेटी बैठती उसमें राहुल जी दोषी पाए जाते तो उसके बाद में निलंबन होता, आपने तो उससे पहले ही कर दिया। अरे कोर्ट ने अपना फैसला दिया, कोर्ट ने कह दिया निलंबित कर दो, है आपने तो 24 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें कर दी, जज बदल दिया, जजमेंट करवा दिया, उसके बाद में कॉपी भी ले ली और तुरंत कॉपी लेके दिल्ली भी आ गए और दिल्ली लाके लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा तुरंत अरे राहुल जी बर्खास्त। अरे वाह भाई, ये लोकतंत्र है, हत्या करके खाक कर चुके हो लोकतंत्र को, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी को आप डरा नहीं पाओगे, इंदिरा के पोते को नहीं डरा पाओगे, राजीव जी के बेटे को नहीं डरा पाओगे। ये नेहरू की विरासत है, ये गांधी की विरासत है। अरे डरा के देख लेना, आपके तिनके तिनके बिखर जाएंगे आरएसएस और बीजेपी के। आरएसएस की तो बात ही क्या करूं, आरएसएस तो अब बिल्कुल लाचार बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस की मानते नहीं है, नरेंद्र मोदी भाजपा की मानते नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मानते हैं अडानी की। अडानी के हाथ में देश का रिमोट है, अडानी के हाथ में मोदी का रिमोट है, तो अब आरएसएस को तो कोसने से क्या फायदा, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश को खत्म करने की कगार पे खड़े हुए हैं। और आज का ये प्रदर्शन एक ताबू में कील का काम करेगा। आप देखिएगा 2024 में राहुल गांधी जब सड़कों पे निकला है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मोदी जी की जड़ें हिल गई हैं, भाजपा की जड़ें हिल गई हैं। आरएसएस अलग अलग बयान दे रहा है, जा रहा है कहां का जा रहा है आपको पता है ना, हिंदू और मुसलमान करने वाले मुसलमानों के दरबार में जा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं कि देश एक रहना चाहिए, हिंदू और मुसलमान भाई भाई रहने चाहिए। अरे देश तो कांग्रेस तो पहले से कहती आ रही है कि सर्वधर्म का देश है, एकता का देश है, अनेकता में एकता का सिद्धांत भारत देश का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश बेटे हैं। ये कांग्रेस कहती आ रही है, आजादी से पहले भी कहती थी और आजादी के सामने मिलकर लड़ाई लड़ी है। इनको लड़ाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, भाजपा ने किया, आरएसएस ने किया। अब ये 2024 को इसका परिणाम भुगतेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस तरीके से सदस्यता गई है फिर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। अरे मत लड़ने दीजिए, शहर के बच्चों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत कहां है, गांधी के पोते को इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। वो तो 140 करोड़ लोगों के दिलों पे राज करता है और 140 करोड़ लोग जिसके साथ हो, जिसके लिए प्यार बहता हो, जिसके लिए त्याग बहता हो, जिसके लिए तपस्या बहती हो, लोगों की भावना हो, उसे चुनाव लड़ने की जरूरत कहां है। वो तो देश का बेटा है जिसके परिवार ने अपना बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने 33-34 पता नहीं कितनी गोलियां खाई और राजीव गांधी ने बम झेले, बारूद झेले अपने सीने पर, उनका बेटा और उनके पोते को चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं है लालच। वो देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और देश की सेवा करेगा, गांधी का सिद्धांत है, देश की सेवा करते हुए देश के लिए मर मिटो, अपना खून का एक एक कतरा बहा दो। तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकना तो मोदी जी आप भूल जाइए, वो तो राज करता है 140 करोड़ लोगों के हृदय पर। तो ये जल्दबाजी जो जिस तरीके की दिखाई गई है ना, जो फैसला आया जल्दबाजी, फिर उनका जो सदस्यता पूरी बर्खास्त हुई है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? डर है 20,000 करोड़ के घोटाले की। भारत जोड़ो यात्रा का
तो इफेक्ट पड़ा ही है। राहुल जी की छवि से घबराए हुए हैं। जिस राहुल जी की छवि को इन्होंने मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से जिस तरीके से बनाने का इन्होंने भरकम प्रयास किया था, वो भ्रम इनका टूट चुका है। देश का बेटा देश की सड़कों पर निकल चुका है, घर को जोड़ने के लिए निकल चुका है, अपने भाइयों से आत्मीयता का संबंध बनाने के लिए निकल चुका है, प्रेम का संदेश देने के लिए निकल चुका है। उससे मोदी की नींव हिल गई है, शाह की रातों की नींद उड़ गई है, भाजपा का सुख चैन खत्म हो गया है। ये राहुल गांधी की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है। इससे घबराकर ये आनंद फानंद में सदस्यता रद्द की गई है ताकि 20,000 करोड़ के घोटाले की कोई बात ना हो, और घोटालों की कोई बात ना हो। अरे बोलने तो देते, अगर आप में जिगर था, आप में दम था, इस भारत के बेटे थे आप नरेंद्र मोदी, तो कम से कम दम तो दिखाते। वो आजादी वाले क्रांतिकारियों की तरह दम दिखाकर बोलते, क्या राहुल गांधी बोलो संसद में, हम सुनने को तैयार है। लेकिन पाखंड करके, झूठ बोल के, मक्कारी करके राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करके आपने जुडिशरी को दबाव में लेकर ये घिनौना काम किया है आपने। आप लगातार बोल रहे हैं लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहां तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर सत्ता में आई है। कहाँ आई है नॉर्थ ईस्ट में? दो सीटों पर किसी के साथ में आप अगर सरकार बना लेते हैं तो आप कदम सत्ता में आ गए। कहाँ है आप? गुजरात देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद में हरियाणा में भी आप दूसरों का समर्थन लेके बने, असम में आपकी पूरी सरकार है ये हम मानते हैं। इसके अलावा कहाँ है आपकी सरकार? आपकी सरकार कहाँ है? राजस्थान में आप डूब गए, मध्य प्रदेश में आप डूब गए, छत्तीसगढ़ में आप डूब गए, कर्नाटक में आप डूब गए, राजस्थान और है हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में डूब गए। आपने कहाँ कहाँ सत्ता में परिवर्तन करके, झूठ बोल के, पैसे का दुरुपयोग करके, एजेंसी के दुरुपयोग करके सरकारें बनाई, कहाँ है आपका ईमान? कहाँ है आपका ईमान? अरे 12.5 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी को कांग्रेस को वोट दिया है, 21 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है। अरे इतना सही तो अंतर है, वो अंतर 2024 में खत्म हो जाएगा। कहाँ कांग्रेस को खत्म कर दिया? दो दो सीटों पे सरकार बना के आप कहते हैं हमने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, हमारी सरकार बन गई। अरे शर्म आनी चाहिए, किसी के साथ अलायंस करके किसी पार्टी के पीछे जाके सरकार बना रहे हो और आप इतना जोर जोर से कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में 3 जगह के अलावा कहीं आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। लोग आपको मैंडेट नहीं देते हैं, लोग आपको समझने लग गए हैं, आपकी चालों को समझने लग गए हैं, आपके जो एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं उसको समझने लग गए हैं, लोकतंत्र का आपकी हत्या करके उसे खाक कर रहे हो ये समझने लग गए हैं लोग। आने वाला वक्त क्या रहेगा आप कांग्रेस का? आने वाला वक्त कांग्रेस का सूर्य उदय हो चुका है। कांग्रेस वैसे तो कभी हस्त हुई नहीं थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ठीक है हमें पिछली बार लोगों का प्यार ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन 12.5 करोड़ लोगों का प्यार मिला, यही बहुत है। लेकिन अब कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है, विपक्ष पूरा एकजुट होकर कांग्रेस के साथ है। क्यों? क्योंकि जब जब लोकतंत्र की हत्या होती है, ईमान बिकता है, देश बिकने की कगार पर आ जाता है, तो हर पार्टियां खड़ी हो जाती है अपने लालच के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, भाजपा की और आरएसएस की ईंट से ईंट बजा देगी। 2024 में आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का जो 400 पार जाने का लक्ष्य वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश समझ चुका है देश अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। बलगवा में नहीं आने वाला, हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला, राम मंदिर नहीं चलने वाला। आस्था पे प्रहार करके आप वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के आस्था पे प्रहार करके वोट लेना चाहते हैं, घर घर में लड़ाई करवाना चाहते हैं। शर्म आने की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जोड़ता है, ये प्रधानमंत्री तोड़ता है, क्योंकि रिमोट अडानी के हाथ में है इसलिए ये चलता है। अगर राहुल गांधी को इलेक्शन नहीं लड़ पाए वो, तो कांग्रेस का जो चेहरा है क्या वो प्रियंका गांधी बनेंगी? देखो कांग्रेस अपने आप में चेहरा है, कांग्रेस के हाथ के सिंबल के आगे चुनाव लड़ा जाता है, यही हमारी मान है, मर्यादा है, हमारा संस्कार है, हमारा त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, ये कांग्रेस का हाथ है और ये कांग्रेस का हाथ गांधी परिवार के साथ हमेशा रहा है, क्योंकि गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। राहुल गांधी का चेहरा ही इस देश में चमकेगा, चाहे चुनाव कोई भी लड़े, कोई भी जीते, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, भाजपा की निकम्मी और नालायक सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हाथ महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का सिंबल महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि तपस्या का सिंगल है ये चुनाव जीत के रहेगा।